हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज हम सबके सब चैनल पर एरिक्सन लोगो जो चेंज हुआ है रिसेंटली उस पर डिस्कस करेंगे और एरिक्सन ने क्यों यह स्टेप लिया, क्यों लोगो चेंज किया, आज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्लैक ने क्यों लोगो चेंज किया, उनका स्टेप्स क्या था, उन्होंने लोगो चेंज करने के लिए क्या क्या किया, आज हम डिस्कस करेंगे एरिक्सन पर। तो इससे पहले मैं आपको एरिक्सन के बारे में एक छोटा सा नॉलेज दे दूं कि एरिक्सन करते क्या है। एरिक्सन एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जो 140 साल पहले इस्टेब्लिश की गई थी और इसको इस्टेब्लिश करने वाले लास मैग्नस एंड हिल्डा एरिक्सन थे। जी हाँ, लास मैग्नस एंड हिल्डा एरिक्सन, और ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी 1876 में। बेसिकली एरिक्सन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेली कम्युनिकेशन में ज़्यादा काम करते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एरिक्सन का जो सबसे फर्स्ट लोगो डिज़ाइन हुआ था वो 1982 में हुआ था, जिसे टेरी मूरे ने डिज़ाइन किया था। मैं आपको अब ये बता दूं कि एरिक्सन ने लोगो चेंज किया क्यों किया और एरिक्सन की प्रॉब्लम क्या थी। तो रीज़न ये था कि एरिक्सन का जो पहले का लोगो था वो जब हम लो रेजोल्यूशन स्क्रीन्स पर रेंडर करते थे तो वो कहीं ना कहीं पिक्सलेट होते थे, उसके एजेस, उसके शेप, उसका साइज उतना शार्प नहीं हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एरिक्सन के लिए कि लोगों को चेंज करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन बिना ड्रास्टिकल चेंज किए हुए, इट मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज किए हुए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो आप नया लोगो देख रहे हैं ये स्टॉक होम डिज़ाइन लैब ने क्रिएट किया है और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि अगर आप एरिक्सन के लोगों को लो रेजोल्यूशन मॉनिटर या स्क्रीन्स पर भी रेंडर करें तो इसकी शार्पनेस, इसका साइज, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा अप्रोच था। आप इस स्लाइड को अगर देखेंगे, बिफोर आफ्टर, पहले ये एरिक्सन का लोगो था, अब ये एरिक्सन का लोगो है। आपको इन दोनों को देख के ज़्यादा कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि आखिर चेंज क्या हुआ है, लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जो स्टॉकहोम डिज़ाइन लैब ने किया है। वो ये है कि उन्होंने थोड़ा सा लोगो है उसको थोड़ा सा टिल्ट किया है और एंगल में सिर्फ डिफर किया है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, रेड कलर में आपका पुराना लोगो और न्यू कलर में जो ब्लू कलर में जो अपीयर हो रहा है वो न्यू लोगो है। अब जब इन दोनों को ओवरलैप करके एक के ऊपर रख के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लू कलर में जो लोगो है उसे थोड़ा सा टिल्ट किया गया है और एंगल में थोड़ा सा डिफर किया गया है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। आप इस स्क्रीन को देखें, जब ये लोगो इस शेप में हम रखते हैं तो इन्होंने चेंज क्या किया है कि इस लोगो को जो पहले एंगल पर था उससे थोड़ा सा टिल्ट करके 18.435 डिग्री पर चेंज किया है। इससे क्या हुआ कि जब ये स्क्रीन पर रेंडर करती है तो इसमें आपको तीन ग्रे बॉक्स दिख रहे होंगे जो पैरेलली है, 1, 2, 3, ये पैरेलली है। इससे क्या होता है कि जब ये स्क्रीन पर रेंडर होता है तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि इसका शेप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके शेप में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही इसकी साइज में फ़र्क पड़ता है। तो एंगल का ये बहुत बेहतरीन यूज़ और बढ़िया यूज़, इससे बढ़िया यूज़ मैंने लोगो डिज़ाइन में आज तक नहीं देखा है। तो अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं और अगर आपका लोगो टिल्ट शेप में है तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा जो पिक्सल रेंडर हो रही है क्या वो अलाइन है या नहीं है। अगर अलाइन है तो इट मीन्स आपका लोगो परफेक्ट है, रेंडर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ज़्यादा पिक्सलेट नहीं होगी। अगर अलाइन नहीं है, सपोज़ कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट है, तो आपके वो शेप को चेंज कर देगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप लोगो डिज़ाइन करें कि उसमें एंगल आप इस तरह से डिफाइन करें कि आपके जितने भी पिक्सल्स हैं वो बिल्कुल अलाइन हो। अगर अलाइन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो लोगो का शेप चेंज हो जाएगा। ये देखिए, मैं तीन आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। एक है जो हाई, नीचे वाला हाई रेजोल्यूशन पर रेंडर किया गया है, मिड वाला हाई नहीं है बट इन बिटवीन रेजोल्यूशन पर रेंडर किया गया है, और जो लास्ट वन है वो आपका लो रेजोल्यूशन पर रेंडर किया गया है। लेकिन जो लो रेजोल्यूशन पर भी रेंडर किया गया है, आप अगर उसको देखेंगे तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जितने भी पिक्सल्स हैं
टॉप में हो या बॉटम में हो, वो तीनों पिक्सल्स जो पिक्सलेट हो रहे हैं वो बिल्कुल अलाइन है। इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप चाहे दूर से या नज़दीक से, या आप रोड साइड से स्पीड में जा रहे हैं, या आपकी एक ही नज़र जा रही है, तो कभी कभी होता है कि हमें लोगो पता नहीं चलता है, पिक्सलेट हो जाता है। तो इन सब को टेस्ट करते हुए एरिक्सन ने यह अप्रोच लिया कि नहीं, 18.435 डिग्री पर इन्होंने अपने लोगो को टिल्ट किया और उसके बाद इनका रिज़ल्ट बेटर हो गया, जो आप ब्लैक साइड इस साइड में देख सकते हैं मेरे राइट साइड में, कि ये कहीं ज़्यादा शार्प है और इसके राउंड कॉर्नर कहीं ज़्यादा परफेक्ट है, स्पेसिंग में थोड़ी सी इन्होंने इंक्रीज की है। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच था, एंगल, सिर्फ एंगल चेंज करके आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक परफेक्ट साइज डिफाइन किया ग्रिड पर, बेस्ड ग्रिड पर सेट करके इस लोगो का, जो एक बहुत अच्छा अप्रोच है, जो मैंने आपको स्लैक के लोगो में दिखाया था कि लोगो को कैसे ग्रिड पर सेट करते हैं, उसकी हाइट विड्थ कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच था। आप भी अगर कभी लोगो बनाएं तो उसे ग्रिड पर सेट करना ना भूलें। अगर ग्रिड के बारे में आपको पता नहीं है, मैं इस पर भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, लेकिन आपको मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा ये भी चीज़ जानने के लिए। दूसरा चीज़ जो इनका प्रॉब्लम था पहले के लोगों में, कि जो राउंडेड कॉर्नर थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबल नहीं हो रहे थे, इनको भी उन लोगों ने ऑप्टिमाइज किया, और मैं कहूँ बहुत ही बेटर वे में ऑप्टिमाइज किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इस लोगो की शार्पनेस कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। दूसरा जो उन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया अपने कलर कॉम्बिनेशन में, वो बहुत ज़्यादा जो डिजिटल में आजकल हम यूज करते हैं, और एक अच्छा अप्रोच भी है कि हाई कॉन्ट्रास्ट कलर को आप अपने ब्रांड में यूज करें, और आप अपने टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग, आप अपने ऑडियंस, या मैं बोलूँ कस्टमर के अकॉर्डिंग, अगर आप न्यू अप्रोच लेके आते हैं जो आपके कस्टमर उसको पसंद करें, या आपके लिए एक अच्छा मूव होगा जिससे आपकी कंपनी ग्रो करेगी, इसके बेसिस पर ये कलर डिफाइन किया, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड द पर्पल। सो कॉन्ट्रास्ट के मामले में अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने बहुत ही परफेक्ट कलर यूज किया है, और ये एक बहुत सही अप्रोच भी है अगर आप मॉडर्न डिजिटल ट्रेंड में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। उन्होंने अब चेंज किया है अपने लोगो को, और इस लोगो का नाम उन्होंने हिल्डा टाइपफेस रखा है। जी हाँ, हिल्डा टाइपफेस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हिल्डा एरिक्सन जो इनकी फाउंडर थी, हिल्डा एरिक्सन जो इनके फाउंडर थे, उनमें से ही एक का नाम हिल्डा था, उसी के बेसिस पर इन्होंने अपने टाइपफेस को डिज़ाइन किया, जिसका उन्होंने हिल्डा नाम रखा, और ये उसका वेटेज है टाइपफेस के, लाइट है, रेगुलर है, मीडियम है और बोल्ड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी एक साइड बहुत ही प्रॉपर है, और डिजिटली जब ये रेंडर होती है तो बहुत ही कमाल की रेंडर होती है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट फॉन्ट ये अब हो गया है हिल्डा एरिक्सन। और उन्होंने कैसे कैसे इसको यूज किया है आप ये देख सकते हैं, एरिक्सन हिल्डा मीडियम, एरिक्सन हिल्डा लाइट, एरिक्सन हिल्डा रेगुलर, हिल्डा बोल्ड। और अगर आप भी अपना एरिक्सन का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं, इस फॉन्ट को, इनके ब्रांड गाइडलाइन में है। और ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच था एरिक्सन लोगों का। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एंगल का ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करें। आप ये चेक जरूर कर लें कि आपका लोगो लो रेजोल्यूशन पर कैसे रेंडर कर रहा है, हाई रेजोल्यूशन पर कैसे रेंडर कर रहा है, और आपका मीडियम रेजोल्यूशन पर कैसे रेंडर कर रहा है। तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमने एरिक्सन पर डिस्कशन किया है और लोगों में एंगल का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टाइपफेस कैसे चूज करते हैं, इन सब पर आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए मैं फिर एक कुछ नया लेके आऊँगा। इसी तरह आप हमारे सबके सब चैनल पर बने रहें। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू सो मच।